असला डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज फिजिक्स क्लास नाइन्थ आज हम स्टार्ट करेंगे का तो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर टू कैनामेटिक्स एंड टॉपिक टू पॉइंट फोर टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन सो आज हम टर्म डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। सो व्हाट इज वेलोसिटी द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी एक बॉडी की स्पीड ही बता रही होती है लेकिन वो उस बॉडी का मैग्नीट्यूड भी बताती है और उस बॉडी की डायरेक्शन भी बताती है बिकॉज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट सो अब That means कि वो ऑब्जेक्ट यहां पर डिसमेंट कवर कर रहा है मीन उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी सो so, वेटी क्या है कितना जा रहा है दैट इज दलॉसिटी ऑफ दैट बॉडी फॉर एग्जाम्पल एक एरोप्लेन अगर फ्लाइट करता है तो एरोप्लेन जो है वो डिसमेंट कवर करता है और अब वो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट एरोप्लेन क्लियर सो वेलोसिटी सिमिलर लाइक स्पीड लेकिन स्पीड हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है क्लियर सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन जहां भी वर्ड आ जाए रेट का दैट मीन्स के आपने उस क्वांटिटी को हमेशा टाइम से डिवाइड कर देना है ओके टाइम टेकन और व्लॉस्टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी के साथ एंड डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ टाइम रिप्रेजेंटेड बाई टी सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और सिमिलरली यहां से आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी बना सकते हैं लाइक like, टाइम यहां डिवाइड हो रहा है तो यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्लियर सो नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी यूनिट ऑफ वेलोसिटी अगर आप यहां पे फॉर्मूला देखें तो वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम डिस्प्लेसमेंट मीन्स दैट इज लेंथ। सो हम डिस्प्लेसमेंट हमेशा मयरस करते हैं मीटर्स में ओके वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम तो डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा मैय करते हैं मीटर्स में और टाइम मुयर करते हैं हमेशा सेकेंड्स में तो सेकेंड जो ये ऊपर जाके ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड सो वी कैन से कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा दैट इज मीटर पर सेकेंड ओके उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एस माइनस वन से क्लियर मीटर पर सेकेंड ओके और Velocity, कौन सी क्वानिटी है आपको मैग्निट्यूड भी बताया जाता है और विलोसिटी जो है वो आपको डायरेक्शन भी बताता है क्लियर सो विलोसिटी इज अटर क्वान्टिटी सो यू कैन से दैट इट इज अ वैक्टर क्वान्टिटी ओके, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन वेलोसिटी तो आपने उसको डिफाइन भी करना है उसका फॉर्मूला भी करना है एंड सिमिलरली आपने उसका यूनिट भी करना है एंड सो ऑन आपने ये भी बताना है कि वो कौन सी क्वांटिटी है क्लियर देन इट विल मेक अ प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन नाउ वट इज यूनिफॉर्म वेलॉसिटी लेट्स पोज के एक बॉडी एक स्पेसिफिक टाइम में एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है लेट्स सपोज एक बॉडी ए से लेकर बी तक एक स्पेसिफिक टाइम है यहां पे और इसमें कर रही है तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कहीं पर कम ज्यादा हो रही होगी सो so, अब अगर हम इस फॉर्मूले को दोबारा से देखें तो यहां पर हम जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं हमेशा क्लियर हम हमेशा वेलोसिटी की बात करते हैं वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होती वो कहीं पे कम ज्यादा हो रही होती है तो बेसिकली इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं अब लेट्स के आपके पास जो टाइम इंटरवल था आप उसको कुछ शॉर्ट इंटरवल्स में डिवाइड कर दें लेट्स सपोज के मैंने इसको डिवाइड कर दिया शॉर्ट इंटरवल्स में लाइक like दिस अब अगर तो इस इंटरवल में बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट जितने टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उतने ही टाइम में यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और उतने ही टाइम में यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है सो so दैट कि उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो सेम है और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी सेम हो जाए तब तो आप उसे कहते हैं कि दैट इट प्रोजेसिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओके यूनिफॉर्म मीन्स सेम तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब प्रोजेस करती है कोई बॉडी जब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम हो जाए वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो तब आप कहेंगे बॉडी कौन सी वेलोसिटी प्रोसेस करती है दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्लियर उसको डिफाइन करते हैं अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो बॉडी कौन सी वेलोसिटी प्रोसेस कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड शॉर्ट द इंटरवल मे बी और वो इंटरवल आप जितना मर्जी चाहें तो आप शॉर्ट कर सकते हैं लेट्स अगर मैं मैं यहां पर कहूं कि ये जो एक इंटरवल है फर्दर इसको भी शॉर्ट करना चाहूं तो मैं इसको भी अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकता हूं ठीक है इंटरवल कितना मर्जी शॉर्ट क्यों ना हो अगर उस शॉर्ट इंटरवल में भी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो हम कहेंगे यहां से लेके यहां तक इस बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्लियर अब हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करते हैं so एक्सेलरेशन। सो है, तो उसकी वेलोसिटी में कहीं चेंज आता है मीन कहीं इंक्रीज या डिक्रीज होती है वेलोसिटी सो so ये जो चेंज आना है किसी भी वेलोसिटी में दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ओके सो इट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी किसी बॉडी में टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो हम कहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है क्लियर सो so, इसके फॉर्मूले से हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू change in velocity divided by time taken ठीक है और change in velocity को आप represent करते हैं delta v से और time को हम represent करते हैं t से और acceleration को आप represent करते हैं a से so मैं कह सकता हूं that

सिमिलरली उसकी वी चेंज हो गई देन इट बिकम्स अ फाइनलिटी तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी एफ से सो वी कैन सेलॉसिटी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं दैट एक्सलेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी क्लियर तो आप चेंज इनोसिटी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं That Vf minus V i. So we can say that delta V is equals to V f minus V i. So when delta V kijaga Vf minus V i put kardi and divided by T. So this is the formula of acceleration. Okay. Now what is the unit of acceleration? यूनिट ऑफ एक्सलेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन को आप फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि हमने फॉर्मूले में भी डिस्कस किया दट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू

Meter per second square ms minus 2 and what is this quantity is it scalar or vector so it is also a vector quantity because it also tells you the because it also tells you the direction clear now what is uniform acceleration a body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time however short the interval may be let's pause again ke ek body jo a body which is moving और स्पेसिफिक टाइम में और ड्यूरेशन इसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है सो so, अब अगर आप इसको इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं सो नाउ लेट्स सपोज के जितना चेंज वेलोसिटी में इस इंटरवल में आएगा उतना ही चेंज वेलोसिटी में इस इंटरवल में आ रहा है सो इफ इट हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि इस बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्लियर ऑल दो वेलोसिटी यहां पर इंक्रीज हो रही हो बेशक लेकिन उसमें जो चेंज आ रहा होगा दैट इज वी एफ माइनस वी तो वो जो चेंज है अगर वो कांस्टेंट है वो सेम है दैट मीन्स कि उस बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो बॉडी

डिक्रीज कर रही है कम होती जा रही है तो हम कहेंगे उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है क्लियर सो द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और और क्लियर सो वो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा आपकी बॉडी के जो मोशन है उसको अपोज करती है ओके okay? उसके ऑपोजिट एक्ट कर रही होती है सो so, इस नेगेटिव एक्सेलेशन को हम कहते हैं दैट इज डीसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन क्लियर बोर्ड में अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन डीसेलरेशन या फिर आता है कि डिफाइन रिटार्डेशन सो बच्चे अक्सर इसका आंसर लिखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डीसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन सो दिस इज नॉट द प्रोप्रिएट आंसर आपने प्रॉपरली डिफाइन करना है कि जब एक बॉडी की एक्सलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रही होती है विद टाइम तो तब हम कहते हैं कि वो नेगेटिव है और ये नेगेटिव एक्सलेशन एक बॉडी के मोशन को अपोज करता है और इस नेगेटिव एक्सोलेशन को फिर हम कहते हैं दैट इज या फिर रिटार्डेशन तो ये है इसका एक प्रॉपर आंसर क्लियर सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज